पहले दो तीन तारीख का दिखाया था स्क्रीनिंग करने के लिए। इसको आप बहुत तरीक़े से फिल्टर कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा में लगा सकता है। तो इसको मैंने आपको पहले दिखाया था कि वेरियस टाइम फ्रेम के हिसाब से लास्ट ईयर प्राइस कहाँ पर है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। उसको इंट्राडे में यूज़ कर सकता है, स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकता है। और स्विंग ट्रेडिंग में आप थोड़ा सा वोलेटिलिटी कम रखिए। ये वोलेटिलिटी आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, लेस देन इक्वल टू, नहीं तो बिटवीन, आप बिटवीन 1.6 एंड 1.9 रख सकता है। डिलीवरी आप ओपन इंटरेस्ट का चेंज देख सकता है। इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जो जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा उसको रखिए आप, जो जिसमें आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। और डिलीवरी परसेंटेज भी आपको ज़्यादा होना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो डिलीवरी परसेंटेज चेंज हुआ है तो इसको आपको देखना पड़ेगा। डिलीवरी परसेंटेज जो जिसमें ज़्यादा हुआ है, बड़ा है, तो उसको आप स्विंग ट्रेडिंग में और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पोजिशनल लॉन्ग टर्म में आप स्किनर को यूज़ कर सकते हैं।